वापिस ट्रैफिक 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 से ब्लॉगर से केना ब्लॉग बनाए ब्लॉग भाई अभी ना नहीं सकते कपड़े लोगों ने नरेश भाई के लिए बाहर डेटा बनवा दिया है। हेलो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग तो नहीं है तो भैया जी बात ऐसे कि ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे और बहुत ही हॉर्न का आवाज़ आ रहा होगा आपको देख के पता चल गया कि हम सूरत में हैं। तो मैं सुबह से ब्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे घर पे था और फैमिली के साथ होता हूँ तो आज सोचा कि आधा दिन फैमिली के साथ ही गुजारता हूँ और हमारे भैया जी हमारी स्टोरी बनाते देखिए आप और आ गए हम उनके साथ जाएंगे हम अंदर बैठने। YouTube માં છે બ્લોગર છે કેમાં બ્લોગ બનાય બ્લોગ મારે એક બનાવી દેજો તમે આવી ગયા આમાં આ બ્લોગ તો આવી ગયા તમે શું કહે છે દાદા સ્પેશિયલ તમારો વિડિયો ઉતારે છે તો એ દાદી કા ઇન્ટ્રોડક્શન બડે ભાઈ દે કે બોલ રહ્યો પોટ ભાઈ એક જગ્યા લઈ દે હા તમ તાર આપણે આશ્રમ બને ને આવતો રહેવાનો તમારો બસ થઈ ગઈ ને બસ થઈ क्या बोल रहा है दादी आज स्पेशल मुंबई से मिलने आई है 84 ईयर की ओल्ड एज दादी है और स्वास्थ्य की बात करूं बहुत ही मतलब ऐसा स्वास्थ्य मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि इतनी उम्र में ट्रेन में वो भी जनरल में यहाँ सूरत आए आना और फिर वापस जाना बहुत ही मुश्किल काम है और ख़ास करके उसने हमारे जो सोशल मीडिया आश्रम है उसमें उसने सपोर्ट या अपना योगदान दिया है तो दादी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दादी तो भाई ये होता है सपोर्ट तो नरेश भाई किधर है समोसा नरेश भाई समोसा ले रहा है क्या बात है क्या बात है करी दो और नरेश भाई समोसा लेके आ गए आप समोसा आ गया और पेटीज तो भाई भैया जी बात ऐसी है कि दोपहर का लंच उनकी तरफ से स्पॉन्सर हुआ है हम सब पूरी टीम मेंबर को और बहन ऑलरेडी उधर पहुंच गए तो मैं इन सब चक्कर में मेरा ब्लॉग का स्टार्टअप करने भूल गया तो वेलकम बैक टू द अनकट लाइफ ऑफ प्रतीक आहिर और आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बहन रोती है कि मेरे को इतना क्यों प्यार करते हो सब लोग। अच्छा वो मैंने एक अरे देखो सोसाइटी में यही लफड़ा होता है कोई गाड़ी छोड़ के चला गया क्या करेंगे इसका। तो चलो फाइनली पहुंच गए नरेश भाई के घर तो अभी दोपहर का लंच उनके यहाँ है और दादी माँ हमारे साथ है उनका थोड़ा एज प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे चल रही है। देव भाई उनको लेके आओ जल्दी। ओके ओके देव भाई हमारे उनको लेके आएंगे। ये पता नहीं प्लेन सोडा मंगवाई है किसको पता नहीं कार इसको ऐसे बोलो तो कार्बोनेटेड वाटर भी बोल सकते हो। ये बड़ी बड़ी होटलों में इसका बहुत पैसा लेते हैं 20 रुपये की बोतल मिलती है बाहर। और आ गया नरेश भाई का घर और यहाँ पे नरेश भाई के बायोडाटा की बात हो रही है। नरेश भाई आपकी शादी की बात आई है भाई क्या करें यहाँ पर सब फैमिली बैठे हैं अभी थोड़ी देर में खाना भी चालू होगा तो खाना भी खाएंगे मज़ा आ रहा है फैमिली वाला माहौल है पूरा। बहुत सारे दिन घर के बाहर रहने के बाद 3-4 महीने के बाद आप जब घर आते तो यही माहौल एक्सपेक्ट करते और यही मिलता है तो बहुत अंदर से खुशी मिलती है। फूल गुजराती डिश नरेश भाई सॉन्ग हाँ नरेश भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रीट मजा आएगा खाने में ना अच्छे तो चालू करना बाकी है उसके बाद बोलो। अभी हम लोगों का बाहर जाने का प्लान बन रहा था दरवाज़ा बंद था तो पता नहीं था बाहर बारिश अच्छी चालू हो गई बहुत भयानक वाली बारिश चालू हो गई। अब देखे भयंकर मज़ा आ रहा है जब से सूरत आया हो तब से बारिश आ रही है रोज बहुत ही मज़ा आता क्योंकि आनंद में तो साला 3 दिन बारिश आई नहीं थी पूरा क्या बोलो हालात खराब हो गए थे इधर बारिश को देखकर इतना मज़ा आता ना और ऐसी बारिश हो तो नहाने का मन करता है बट अब क्या करें अभी नहा नहीं सकते ना भाई अभी नहा नहीं सकते कपड़े गंदे हो जाएगा दूसरे कपड़े नहीं वरना नहा भी लेता मैं मोटा मोटा वरसाद आए वो बड़ा बड़ा छाटा है वो चलो आप थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर मिलो ना यस बाय बाय। बहन को भी उनके रूम पे छोड़ दिया होटल पे वो थोड़ी देर फ्रेश होंगे बाद में वापस हम उनको ले जाएंगे और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे दादी माँ को मुंबई लोग से मिलाने के लिए। चलो और बारिश एज इट इज चालू आज पता नहीं क्यों बट सुबह से पूरे दिन मैं जब से बाहर निकला तब से हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रही है सब अपने सेल्फ वॉलंटियर बंदे लोग आ गए जो ट्रैफिक क्लियर करवा रहे अच्छी बात है। बारिश की वजह से शायद ऐसा प्रॉब्लम है और सूरत में सब जगह मेट्रो का काम चालू है मैं भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है ट्रैफिक का आता है। अब सीन ये है कि 5:07 की दादी माँ की ट्रेन है बॉम्बे के लिए और ऑलरेडी 4:55 हो चुकी है
एक सर्कल को क्रॉस किया तो दूसरा सर्कल भी पूरा ट्रैफिक वाला है। तो सीन इसमें ये, दादी की टिकट हमने बुक करवाई है 5:07 और ऑलरेडी 5 बज गए दूसरे सर्कल तक आते आते ही। अब देखो ये वाला रास्ता तो अच्छा खुला मिला, बट ये साइड पूरा जाम पड़ा है आने के लिए, बट ये लोग रास्ते में चल रहे हैं पता नहीं क्यों। देखो इनका सबका अपना ही चल रहा है। और टास्क सबसे बड़ा ये है कि ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब देखते हैं स्टेशन जाके कि क्या सीन होता है। मेरे को तो नहीं लग रहा कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से भी देखो आगे और मेरे को ट्रैफिक ही ट्रैफिक गिर रही है। आज शुक्रवार है फिर भी पता नहीं क्यों इतनी सारी ट्रैफिक है सूरत में। मे बी मेन रीज़न बारिश और मेट्रो का काम चालू, उसकी वजह से ही हो रही होगी। अभी इस साइड भी पूरा जाम ही है और यहाँ पर वापस ट्रैफिक। और हाँ एक बात का वो बताना भूल गया, ये पोदार मार्केट, ये सूरत का सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट। यहाँ पर 80% शॉप मोबाइल की है, तो आपको कोई भी मोबाइल कैसा भी मोबाइल लेना हो सूरत में पोदार मार्केट आप आ जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो मोबाइल के साथ सब सॉल्व हो जाता है। वापस ट्रैफिक। लोग देखे कितना पानी भर गया पूरा, इसलिए शायद ट्रैफिक हो सकता है, एक रीज़न ये भी हो सकता है। यहाँ पे पोपट भाई दादी को छोड़ने गए अंदर रेलवे स्टेशन में, और मैं निकल रहा हूँ बाहर की साइड। सूरत में आनंद में रहने की आदत हो गई तो ये सूरत का ट्रैफिक बॉम्बे वाला ट्रैफिक जैसा फीलिंग देता है साला, बहुत ट्रैफिक, बहुत मतलब बहुत। और आनंद में तो कभी ट्रैफिक ही नहीं मिलता है, ये गाड़ी निकली आप जाओ भाई जाओ पहुँच जाओ 10-15 मिनट में। और वो वाली ट्रेन तो भैया नहीं मिलेगी, मैं जो आपको बात कर रहा था टाइम पे पहुँचने की, एक मिनट। हाँ तो भैया जी वो वाली ट्रेन, अरे बाप रे बाप। हाँ तो ये बोल रहा था कि वो वाली ट्रेन तो नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी 5:15 हो चुका है, तो वो ट्रेन तो गई, बट उसके बाद भी 2-3 ट्रेन थी, तो अब उस पर जुगाड़ लगा देंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दादी सेफली पहुंच जाएंगे। बट सूरत में आज बहुत ही अच्छी बारिश थी, और ये पूरा स्टेशन देखिए, यहाँ पर तो कोविड था फिर भी बहुत पब्लिक रहता था, तो ये नॉर्मल डेज में तो यहाँ पर पब्लिक तो बहुत, मतलब ये सबसे ज़्यादा मेरा ऐसा मानना है गुजरात का, सूरत और अहमदाबाद दो स्टेशन ऐसे हैं ना जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है पब्लिक का, क्योंकि मेन सेंटर ये है। और ज़्यादातर आउटस्टेट वाले जो बंदे होते हैं, जो बिहार यूपी मध्य प्रदेश, टेक्सटाइल मार्केट बहुत अच्छा है, डायमंड मार्केट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहने के लिए आते। सूरत में बहुत सारे लोग आउटस्टेट से भी रह रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट होता है सिटीज़ का, और आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ब्रिज में नंबर आता है, तो एक ही सिटी आता है सूरत सिटी। अभी हम वेट करते हैं पोपट भाई का, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो आपको मिलता हूँ आगे। देव भाई ट्रेन मिल गई थी? हाँ मिल गई थी भाई, S1 में बैठा हमको उसको, S1 में, बट कोई बात नहीं, S4 की टिकट थी वो तो धीरे धीरे चेंज कर लेंगे। S5 की थी, अच्छा कोई बात नहीं, पर मिल गई ना ट्रेन? मिल गई। ओ, मेरे को सिग्नल आ गया था। अच्छा सिग्नल भी आ गया था, टाइम पे ही पहुंचा ऐसा ना, मतलब पूरा टाइम पे ही। अच्छा रिक्शा वाला मिल गया, वो इलेक्ट्रिक रिक्शा वाला। ये ट्रैफिक वो केबी लैम करता है ना वैसा, हालात खराब है सूरत नहीं आने का भाई, पूरा आपका आधा जीवन इधर रहोगे तो ट्रैफिक में ही चला जाएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं ऑफिस पे, मांड ट्रैफिक में से, मतलब मांड को क्या बोलते हैं पता नहीं, मांड ट्रैफिक में से निकलते आधा एक घंटा निकला ट्रैफिक में, और वापस ऑफिस पे एक दो बंदों को बुलाया, मीटिंग है तो वो निपटा के वापस जाएंगे घर पे, क्योंकि सरिदा बहन मतलब जो हमारे यूरोप वाले बहन है वो घर पे पहुँच गए, तो वो हमारा वेट कर रहे हैं, तो हमको वापस घर भी जाना है। अभी मतलब ऐसा सीन ऐसा था कि अभी हम ट्रैफिक में सिग्नल पे रुके थे ना, तो गाड़ी में से 3 लोग देख रहे थे, गाड़ी में मतलब दूसरी गाड़ी में से हमारी गाड़ी में देख रहे, और ये दोनों मस्ती कर रहे थे, तो बोल रहे के देखो पोपट भाई क्या कर रहे हैं ऐसा। हमारा ऑफिस वाला कॉम्प्लेक्स है पूरा, फिर आगे वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसमें जाए, उसमें पूरा थोड़ा बहुत ऑफिस टूर भी दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ेगा कैसा है क्या है। और आ गया वही कल वाला थूका हुआ एरिया, देखो लाइट चालू होता है ना तो बहुत मस्त दिख रहा है, अभी ये विंडो ओपन है इसलिए ठीक से नहीं दिख रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, लाइट पंखा ऑफ करना जरूरी है। ऑफिस का काम हो गया ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और पहले मिलते आगे घर पे ही मिलूंगा। और ये हमारी माता समान तापी नदी, सूर्यपुत्री तापी जिसे बोलते हैं, यही वो नदी है तापी नदी, और ये आई थिंक उत्तरायण ओवरब्रिज बोलते हैं इसको, उत्तरायण कापोद्रा को ज्वाइंट करता है, और बहुत ही सारी जनसंख्या यहाँ पर दिन ब दिन इस ब्रिज को यूज़ करते हैं वराचा आने जाने के लिए। और वो सामने जो मंदिर है शिव भगवान का मंदिर है,
बहन या बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए थे उसमें मैं सीखूं सुबह पेंटिंग सीख रहे पाणा भाई उनको गाइड कर रहे वाह पाणा भाई तो अभी हम लोगों ने नरेश भाई के लिए बायो डाटा बनवा दिया है तो क्या करें पास मांगा हो तो बोलना है ना हाँ कोई सारी छोकरी हो सुंदर सुशील संस्कारी तो ये छोकरी हो तो इन्हें बायोडेटा हूँ मोकलीस जो हमारा नक्षत्र भेगा था तो पे साइकिल बात था बीजू तो हूँ बराबर और इसी तरह 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और ऐसे ही आगे प्यार देते रहिए नेक्स्ट टारगेट है 5000 का तो 5000 जल्दी आप करवा ही दोगे तो अपने आगे वाले व्लॉग में मेरे को बहुत प्यार दिया मेरे को बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच फॉर देट तो बस हम लास्ट ऑफिस से वापस घर आए उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया थोड़ा बहुत 2-3 पार्ट्स लिए वो मैं डाल दूंगा और कुछ था नहीं पूरा फैमिली वाला माहौल था तो मैंने सोचा यहाँ पर तो व्लॉगिंग में बंद ही रखता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत एंजॉय करना भी जरूरी है जीवन में तो बस अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता है आई होप ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आपके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और हाँ अगर इस चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें जय हिंद जय भारत।